भक्तों जय श्री राम। अब हम सुनाने जा रहे हैं रामायण से रामायण का सुंदर पाठ। चिरानंद सुख धाम से विगत मोहे मद काम, बिचरई मई धरी हृदय हरि सकल लोक अभिराम, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहते शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतौ मुनि उपदेश ज्ञाना, कतौ राम गुण करें बखाना, यद्यपि काम तदपि भगवाना, भगत प्रिय दुख दुखित सुजाना। वे कई मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कई श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हैं। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। ए विधि गयो काल बहु बीति, नित नय होई राम कद प्रीति, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभी चल हृदय भगति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीत हो रही है। शिव जी के कठोर नियम अनंत प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार संकरई सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार कमाने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री राम जी प्रकट हुए और उन्हें बहुत तरह से श्री जी को की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता। वो विधि राम से वही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरजा के करनी, बिस्तर सहित के पानी दी भरने। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से श्री जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। अब विनती मम सुनो सिंह, जाओ मोह पर निज नेऊ, जाई विवाह हो सल जाइये, मुहि मांगे देऊ, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि मुझ पर स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। बोलिए लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम, बोलिए जय श्री राम।